Minister, Shri Gajendra Singh Shekhawat, Ji, and delegation from Delhi, respected Council General, Shri Ranjit Jaiswal, and dear friends, a very good evening and warm welcome to all. We have all gathered here today to welcome Hon'ble Minister, Shri Gajendra Singh Shekhawat, and I request all of you to please welcome him with a round of applause. सभी को मेरा नमस्कार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी भारत सरकार के भारत गणराज्य के जल शक्ति मंत्री डायरेक्टर जनरल अशोक साहब और आपके साथ आए डेलीगेशनगण और हमारे भारतीय समुदाय के मित्रगण भारतीय कौंसल आवास की तरफ से और भारतीय समुदाय की तरफ से सर मैं आपका से इस समारोह में स्वागत करता हूं आपने अपने शेड्यूल से इतने व्यस्त होने के बावजूद ये समय निकाला हम लोग के बीच आने के लिए समुदाय से बात करने के लिए भारत के बारे में बताने के लिए इसके लिए हम आभारी हैं हम सभी लोगों को याद है पिछले कई एक सालों में भारत में अनेकों तरह की तब्दीली आई और इस क्षेत्र में इस तब्दीली में जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय का एक बड़ा हिस्सा है आप भारत में किसी से बात कीजिए चाहे राजस्थान हो बिहार हो अरुणाचल हो कोई भी पक्ष कोई भी राज्य जमीनी स्तर पे जो बदलाव आया है वो अपने आप में एक नई आशा की जागृति है खुशहाली लेके आई और एक बहुत बड़ा उमंग है पूरे देश में तो सर आपके नेतृत्व के लिए जल शक्ति मंत्रालय के लिए जल जीवन मिशन के लिए हम लोग तहे दिल से आभारी हैं सर वी आल्सो वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ योर विजिट यू आर योर मिनिस्ट्री इज कनेक्टेड टू वाटर क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन food and many other things. So therefore, we thought it most prudent and appropriate that at a time when we are celebrating International Year of Millets, an idea which came to the United Nations through India, we must take your visit, take the opportunity during your visit to celebrate the International Year of Millets as much. Millets, as you know, is health-wise, water-wise, biodiversity-wise, there are so many other benefits of it. So we are truly grateful that we have this opportunity to celebrate an idea of India, an idea that belongs to the 21st century, and where many of our challenges that we face, health, climate, food security, so on and so forth, can be resolved through bringing more of millets in our lives. सर हम लोगों ने मैंने और हमारे सहयोगी ने तहे दिल से आपका स्वागत किया है स्नेहपूर्वक आदरपूर्वक लेकिन भारतीय समुदाय आपको अपने रंग से स्वागत करना चाहता है आइए देखें भारत का एक रंग बहुत बहुत धन्यवाद Thank you.
I am the
Abhiyan, Catch the Rain. Complete regeneration of water by National Water Mission, Ministry of Jal Shakti. Charles? Gange cha Yamune cha Godavari Saraswati, Kaveri Narmade Sindhu, Jalasmi Sannidham Kuru. Jal Ishwar Swarup hai, Saumya Shalin, Jivandayak. Prakriti ka diya ye jal rupi vardaan, Prithvi Vasiyon ke liye sirf ek virasat nahi, balki ek zimmedari hai, jise aane wali peedhi ke liye sambhalna aavashyak hai. और इस उद्देश्य की ओर पूरी निष्ठा से कार्य कर रहा है राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार. आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई जनसंख्या के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती. पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास या जरूरत है. जलवायु परिवर्तन का विशेष ध्यान रखते हुए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत नेशनल वाटर मिशन की स्थापना की गई. राष्ट्रीय जल मिशन के प्रमुख उद्देश्य हैं जल का डेटाबेस सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत रखना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करना. जल संरक्षण वृद्धि और संरक्षण के लिए नागरिक और राज्य कार्रवाई को बढ़ावा देना. शोषित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान देना. 20% तक जल उपयोग कुशलता में वृद्धि करना और बेसिन स्तर के एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना. 2019 में जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई और 2021 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन नामक एक खास कैंपेन शुरू किया गया. जल शक्ति अभियान के अंतर्गत लाखों की तादाद में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए. अनेक जल निकायों का पुनर्विकास किया गया. विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए. हजारों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और किसान मेले लगाए गए. वाटर बॉडीज की जियो टैगिंग और जीएस मैपिंग की गई और जिला स्तर पर साइंटिफिक डिस्ट्रिक्ट वाटर प्लान भी अपनाए गए. जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है तो उसे कार्य की गंभीरता का पता चलता है, उसके सामर्थ्य का पता चलता है, उसके स्केल का पता चलता है, संसाधन कितने लगते उसका पता चलता है. इससे जनता में एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना वो सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती है. राष्ट्रीय जल मिशन का मोटो है रिस्पेक्ट वाटर फॉर लाइफ, जिसकी ओर बढ़ते हुए जल प्रयोग क्षमता बढ़ाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः समर्पित प्रभाग भी शुरू किया गया है. ब्यूरो ऑफ वाटर यूज एफिशिएंसी जल इतिहास नामक पोर्टल पर ट्रेडिशनल वाटर हेरिटेज स्ट्रक्चर्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत की गई एवं जन भागीदारी को भी अत्यधिक प्रोत्साहित किया गया है. कृषि के उपयोग के लिए, पीने के पानी के लिए उपयोग के लिए, उद्योग धंधों के उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता निर्बाध रूप से बनी रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चले उसकी आपूर्ति में जल की उपलब्धता बाधा न बने, स्पीड ब्रेकर न बने, इसके लिए वाटर सेक्टर के कंप्लीट रिजुविनेशन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय काम कर रहा है. मंत्रालय के इतिहास में पहली बार राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा भोपाल में प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने इस द्विदिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर इसका उद्घाटन किया. For a campaign to be really successful, it has to have the commitment of the top political leadership. And what better commitment can be there if the Prime Minister of the country gives this clearing call to the citizens to participate in this program. जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का मुख्य प्रसंग है पीने के पानी के सतत स्रोत, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया. प्रमोशन अवसर पर
जल शक्ति से नारी शक्ति इस सिद्धांत को प्रबल किया गया। आइए हम भी जल शक्ति अभियान से जुड़े और जल आंदोलन को जल आंदोलन बनाकर जल संकल्प को दृढ़ करें, क्योंकि संरक्षित हो जल तभी बेहतर कर। Hon'ble Minister and Kamsi Jenny to please take the seats on stage. Shekhawat ji, assume charge as the Minister of newly formed Ministry of Jal Shakti, Government of India on 31st May 2019, which was formed as a result of the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi's vision of one central ministry for holistic administration and management of water and sanitation in the country. Before being given charge of the newly formed Jal Shakti Ministry, Shri Gajendra Singh Shekhawatji was the Minister of State for Agriculture and Farmers' Welfare during the period from 3rd September 2017 to May 30th, 2019. And he had a two-term Member of Parliament from the Lok Sabha constituency of Jodhpur in the state of Rajasthan, representing it since 2014. Under his supervision as Minister of Jal Shakti, India launched one of the world's largest delivery of water to every household through a functional tap program called Jal Jeevan Mission. He is also overseeing the Swachh Bharat Mission and National Mission for Clean Ganga, Namami Gange program, the world's largest cleaning and river restoration program on any major river. It is my distinct privilege to invite Honorable Minister Shri Gajendra Singh Shekhawatji and request him to address the gathering, the diaspora, members of our Indian community and friends of the consulate. Namaskar. Consulate General Shri Randhi Jaiswal Ji, Shri Mati Jaiswal, मेरे साथ इस प्रतिनिधिमंडल में भारत से आए बहुआयामी नदी की स्वच्छता से रिलेट के विषय में काम करने वाले मिशन नमामि गंगे के डायरेक्टर जनरल श्री अशोक कुमार जी, सभागार में उपस्थित सभी भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और व्यावसायिक राजदूतगण, मित्रों, आज बहुत ही विशेष दिन हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं, क्योंकि आज का दिन जब भारत में कुछ घंटों के बाद में सूर्योदय होता है, तब भारतीय परंपरा के हिसाब से नए साल का सूर्योदय होता है। कल वर्ष प्रतिपदा का उत्सव है, दिन है, नव संवत्सर का दिन है, जो सिंधी समुदाय में चेटीचंड के रूप में मनाता है, गुड़ी पड़वा का दिन है,
बिल्डिंग निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जो भारतीय मान्यता है उसके अनुरूप ब्रह्मा जी ने जब एकोहम बहुश्यामी का विचार करके जब सृष्टि की संरचना की और इस सृष्टि का इस ब्रह्मांड का सृजन जब ब्रह्मा जी ने किया वो आज ही के दिन किया गया था। आज का दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारी परंपरा के अनुसरूप हमारी मान्यताओं के अनुरूप जब इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ तब सूर्य का प्रथम उदय और सूरज की पहली किरण जो है धरती पर उसी दिन पड़ी थी। नव संवत्सर का दिन ऐतिहासिक रूप से हम सब लोगों के लिए इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि भगवान राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। त्रेता के काल में भगवान राम का और द्वापर के काल में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक दोनों नव संवत्सर के दिन हुआ था। मैं आप सबको नए साल की बहुत सारी बधाई देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हाल ही में होली का त्योहार बीता है, रंगों का त्योहार, समरसता का त्योहार, सारे मतभेद मनभेद भुला करके एक दूसरे के गले लग करके एक रूप हो जाने एक लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने का त्योहार हम सब ने मनाया है। मैं होली के त्योहार की भी आप सबको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। अभी प्रज्ञा जी ने राग यमन कल्याण में अपनी प्रस्तुति दी, मेरा क्योंकि भारत के भारतीय संगीत के साथ में शास्त्रीय संगीत के साथ में पुराना जुड़ाव है। मैंने पंडित भीमसेन जोशी जी से लेकर के चंद्रलाल मिश्रा जी से लेकर के हिंदुस्तान के लगभग सब ख्यातनाम गायकों के साथ में कहीं न कहीं किसी न किसी अवसर पर राग यमन कल्याण को गाते हुए उनको प्रत्यक्ष रूप से सुना है। लेकिन आज अद्भुत दृश्य मेरे लिए था कि मैंने पहली बार किसी व्यक्ति को राग यमन कल्याण को खड़े होकर मैं उसके लिए प्रज्ञा जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। स्रोत की थी तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रीफाइंग थी और हम सब लोगों के लिए कि किस तरह का संयोजन, किस तरह का संतुलन, किस तरह का से उन्होंने अपने शरीर को साधा है वो निश्चित रूप से बधाई की बात है। कल का दिन और भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल बिहार दिवस होगा और जैसा मुझे बताया गया कि बिहार में उनके बहुत सारे लोग आज यहाँ हैं। अभी हम सब लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे। अंग्रेजों ने जब बिहार को एक अलग राज्य के रूप में 1912 में मान्यता दी और बंगला भाषियों के प्रदेश से अलग कर हिंदी भाषियों के प्रदेश का सृजन किया, तब से लेकर के 110 साल में बिहार जो भारत की संस्कृति का नाभि केंद्र था और बिहार शब्द जो है जैसा हिंदी में और हमारे इतिहास में माना जाता है कि ये बिहार से अपभ्रंश होकर के बिना बिहार, क्योंकि बुद्ध धर्म का उदय और मूल केंद्र जो है वो बिहार में था और बौद्ध भिक्षु जिस तरह से बिहार करते थे अपने प्रसार के प्रचार के लिए उसी के चलते इस क्षेत्र का नाम बिहार क्षेत्र पड़ा था।